पुणे शहरातील मौलाना आझाद नगर या परिसरामध्ये एक भीतीचं वातावरण यासाठी पसरलेलं आहे का एक व्हिडिओ सोशल मीडियावरती मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला ज्यामध्ये काहीतरी उडून या ठिकाणी या टेरेसवरती येताना दिसतंय। त्याचा अर्थ या ठिकाणी असा लावण्यात आला का एखादा भूत या ठिकाणी या इमारतीवरती चढला आणि त्यानंतर हा पूर्ण परिसर जो आहे घाबरलेला आहे। आपण पाहू शकतो हा परिसर आहे आणि हीच ती इमारत आहे आणि हा तो अँटिना टीव्ही अँटिना हा जो त्या ठिकाणी त्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे आणि याच अँटिनाच्या बाजूवरून एक काहीतरी जे भूत आहे ते या ठिकाणी येताना दिसतंय असं या ठिकाणी म्हणणं होतं आणि त्या व्हिडिओच्या आधारे आपण या ठिकाणी आता पोहोचलेलो आहेत या परिसरामध्ये याच इमारतीमध्ये। आणि जर आपण प्रत्यक्षात पाहिलं तर या ठिकाणी ते कोणतंही भूत नसून या ठिकाणी ही एक चटाई आहे। आपण जर बघितलं तर या चटाईचं आपण हे पाहू शकतो ही चटाई वाळण्यासाठी या इमारतीच्या भिंतीवरती टाकण्यात आली होती आणि जोरात सोसाट्याचा वारा होता आणि या वाऱ्यामुळे ही चटाई उडून प्रत्यक्ष या ठिकाणी या टेरेसवरती येऊन पडलेली आहे। आपल्यासोबत या इमारतीचे काही नागरिक आहेत काही सदस्य आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत की नक्की लोकांमध्ये किती प्रमाणात भीतीचं वातावरण आहे आणि विशेष म्हणजे त्यांना काय वाटतं क्या कहेंगे आप लोगों के मन में कितना डर है। बहुत बहुत डर फैल गया है लेकिन डर का माहौल ना बनाएं। ये हमारी चटाई थी वही चटाई उड़ के ये उसी टाइम वीडियो बना रहा था कोई उधर से और वो हवा के जरिए से ये चटाई उड़ी और एक दिल में वहम पैदा हो गया बस और कुछ है नहीं। वीडियो में क्या बताया गया था। वीडियो में ऐसा लग रहा था कि कोई चल रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई चल रहा है लेकिन हमारी चटाई है वो अपनी चटाई को सूखने के लिए डाला। हाँ सूखने के लिए हम फैलाए थे डाले थे भीग गई थी। वही टाइम मेरा छोटा भाई वहाँ पे सो रहा था। हाँ यहाँ पे छोटा वाला सो रहा था। हाँ दूसरी बात ये कि जो जिस तरह से लोगों के अंदर डर है आपके जो बिल्डिंग में उसी तरह से डर फैला हुआ है। बहुत ज्यादा डर है बच्चे निकल नहीं रहे बाहर। बच्चे बाहर निकल नहीं रहे हैं लेकिन असलियत में देखा जाए तो ये तो चटाई है। हाँ असलियत में देखिए ये चटाई ही है क्योंकि हम लोग यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं। हम लोग थे यहाँ पे रोज हम लोग टेरिस पे आते हैं फिर चले जाते हैं ऐसा कुछ रहता तो एकाध दिन तो हादसा होता है ना। आपका क्या कहना। मेरा ये बोलना है कि जो चीज़ वायरल कराना है वो चीज़ तो वायरल होती नहीं है। अब वो वीडियो में दिखा रहे कुछ और है तो पब्लिक को डर फैला लिया हर चीज़ वायरल करवा के पब्लिक के बच्चों लोग डर रहे हैं तो वो चीज़ वजह है नहीं। जो आप देखे कि वो चटे उड़ के आई है सब चटे का मामला है सब चीज़ है तो वीडियो में दिखा रहे कुछ और है पब्लिक बच्चे लोग सब डर रहे हैं लोगों के दिन में जानबूझ के वहम फैला। हाँ वहम फैला रहे हैं और जो चीज़ वायरल करवा वो तो करा रहे नहीं। बहुत सारी जो इशू है यहाँ पे वो इशू के बारे में तो कोई कुछ बोल रहा नहीं है और ये सब फालतू चीज़ें गोश्त है ये है भूत है ये उड़ रहा है उड़ रहा सब फालतू बच्चों लोग को डरा। ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे बस खाली एक चटाई है बोल के वीडियो वायरल करा रहे नहीं भाई कोई उड़ रहा बोल के बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा जिस तरह से देखा जाए कि ज्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी पाहिलं तर या इमारतीमध्ये ज्या पद्धतीने या परिसरात भूताची जी ही गोष्ट आहे ती मोठ्या प्रमाणात पसरली होती परिसरातील लोक जी घाबरली होती मात्र त्या ठिकाणी घाबरण्याची गरज नाही। या ठिकाणी हे एकमात्र या ठिकाणी फक्त बेहम आहे लोकांचा आणि या ठिकाणी आपण प्रत्यक्षात बघितलं या ठिकाणी चटाई वाळण्यासाठी टाकण्यात आली होती आणि ती चटाई उडून या ठिकाणी हव्यामुळे उडून ती या ठिकाणी टेरेसवरती पडली आणि त्याच वेळी त्या क्षणी तो व्हिडिओ बनवण्यात आलेला आहे आणि तोच तेवढा क्षण तो व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळं यामध्ये लोकांमध्ये संभ्रमण या ठिकाणी निर्माण झालेला होता आणि आता या ठिकाणी तो संभ्रमण नागरिकांचाही दूर झालेला आहे। त्यांचं म्हणणं आहे का ज्या पद्धतीनं व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी लोकांना घाबरण्याची गरज नाही आणि ही एकमात्र भूत नसून ही चटाई होती। अनिल वर्मा एबीपी माझा भिवंडी। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।